मैं अपनी तरफ से आप सबको सलाम का हदिया दोबारा देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जो कोई ड्रीम कर सकता है, अल्फाज के से खेलने वाले, अल्फाज के साथ लोगों की तकदीर बदलने वाले लोग, अपने कलम की ताकत से कुश्तों के कुश्ते लगा देने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े नाम जब आप उनके सामने खड़े होते हैं तो ये बड़ी सादत की बात होती है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज का प्रोग्राम पीएफयूसी ने जो अरेंज किया है, ये प्रोग्राम डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की इन नासिफ़ी के इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए है, बल्कि जो नए नाम, जो नए लोग, न्यू कमर्स इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके कैरियर ओरिएंटेशन में भी ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजिटल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें हम मुख्तलिफ डिजिटल मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन या कोई बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस मीडिया से जो हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे डिजिटल इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा इस बारे में जानते हैं, जैसे कोई ऑडियो या वीडियो वगैरह। ये मीडिया टेक्नोलॉजी और कंटेंट का इम्तजाज होता है जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट, पेजेस, चैनल्स, वेब चैनल्स, ये सब कुछ शामिल होते हैं। 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी की सदी है, इसमें कामयाब वही हो सकता है कि जो इन जदीद ज़राए इब्लाग को मौसर अंदाज में अपनाता है। और प्रोग्राम की इब्तदा जो है वो हम इसी मीडिया से करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये जदीद तरीन मीडिया है बल्कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम कलम और प्रिंट अल्फाज जो हैं उनको इन्होंने ओवरडॉच करने की, ओवरकम करने की एक कहने के एफर्ट चल रही है। और चूँकि हमारी यूथ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है, सो हम इसी मीडियम से अपना इब्तदा करेंगे प्रोग्राम की। और मैं बुलाना चाहूँगी मैम इरम सभा को, जो कि डायरेक्टर ऑफ कैरियर डेवलपमेंट नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स हैं। उसके अलावा आप अपनी कंसल्टेंसी भी रन करती हैं, और उसके अलावा आप एक बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और ये असर हासिल के तकाजों के साथ जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल द डिग्निटरीज ऑफ पीएफयूसी एंड द काउंसिलेट ऑफ लिबरलैंड पाकिस्तान, बिकॉज इट इज सेड एंड वी ऑल नो दैट दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द विद द कोलैबोरेशन ऑफ पीएफयूसी एंड द काउंसिलेट ऑफ लिबरलैंड पाकिस्तान। पीएफयूसी से मेरा जो साथ है वो तकरीबन 2 साल पुराना है, और हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं और कुछ रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, सो पीएफयूसी इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आज का जो मुझे टॉपिक भी दिया गया है उस पर मैं बात करूँगी। सो जैसे हसान साहब हैं, जुहेब हैं, माजिद साहब हैं, इन सब की मैं टीम का हिस्सा हूँ एंड आई रियली फील प्राउड कि पीएफयूसी जो है से मैं बहुत सी रहनुमाई हासिल कर रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब जो नए आने वाले हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि आप ज़रूर इस तंजीम के साथ जुड़े रहें और यकीनन आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अच्छा, जो टॉपिक जो है बेसिकली विच इज़ गिवन टू मी जस्ट हाउ कैन वी अर्न थ्रू सोशल मीडिया, हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी सिर्फ एक बात करना चाहूँगी अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी सारा क्रिटिकल थिंकिंग पर ही बेस करता है। देखिए, आप किसी भी फील्ड में हो, आप सहाफ़ी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँ, जैसे मिस ने भी बताया है, मैं बेसिकली मेरा मास्टर्स फिलोसफी में है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं 15 साल से बिज़नेस और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ, और रिसेंटली मैंने एमएस जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। और मैं अपने फ़िलासफ़ी के जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, फ्रीलांसर बनना है, या सहाफ़ी हैं, या एंकर हैं, या फिल्म मेकर हैं, या आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हम नहीं करते, ना हमें सिखाई जाती है और ना ही हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मींस थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जैसे 2 तरह की थिंकिंग है, व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक।
सो हाउ टू थिंक इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. आप अपनी किसी भी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं, एकेडमिक लाइफ में हैं, सोशल लाइफ में हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा आपकी हेल्प करती है और आपको कामयाब बनाती है. तो इसलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप तभी कामयाब होंगे जब आप अच्छे फिलोसोफर होंगे, जब आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर होंगे. क्योंकि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स आप किस तरह से मोनेटाइजेशन करनी है वो आप पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे और आप कामयाब होंगे. हमारे यहाँ फिलोसोफर्स को जैसे मजाक उड़ाया जाता है, जबकि एक अच्छा अदीब, इतने बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पर मौजूद हैं, एक अच्छा अदीब, एक अच्छा लिखारी होने के लिए भी अच्छा फिलोसोफर का होना ज़रूरी है. सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू अर्न. सो बेसिकली ये तो बहुत टेक्निकल टॉपिक है और बहुत वास्ट और काफ़ी, जब जुहैब ने मुझे ये टॉपिक बताया तो मैंने कहा कि ये 15 मिनट्स में इसे कवर करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. लेकिन मैं आपसे कुछ जनरलाइज्ड बातें करूँगी, कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप मतलब जनरलाइज्ड हैं, कोई भी सोशल मीडिया का अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ थोड़ी सी मैं आपको टेक्निकल बातें बताऊंगी. और एक और बात मैं मिस कर गई, मैं ज़रूर उसमें कहना चाहूँगी कि आइंस्टाइन का नाम हमने सुना है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि आइंस्टाइन ये कहता है कि मुझे कोई मसला दिया जाता है हल करने के लिए, ठीक है, मुझे कोई मसला दिया जाता है हल करने के लिए, मैं 55 मिनट्स ये सोचूंगा कि वो मसला है क्या, 5 मिनट्स में उसके हल के बारे में सोचूंगा. और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही सोल्यूशन पर चले जाते हैं, इसकी वजह से भी हम कामयाब नहीं हो पाते. सो ये उसी से लिंक है बात क्रिटिकल थिंकिंग से, कि हम वो ज़रूर करें. और आज का टॉपिक भी हमारा सारा इसी के ऊपर बेस करता है. एक हालिया रिसर्च के मुताबिक जो एक एवरेज पर्सन है वो जब स्क्रोलिंग करता है इंटरनेट पर तो वो तकरीबन 2 घंटे या इससे ज़्यादा का टाइम गुजारता है. और जो अगर आपकी एज जैसे 30 ईयर्स से कम है तो आप 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजारते हैं. तो ऐसा टाइम जिससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कोई मोनेटाइजेशन की तरफ आप नहीं जा रहे, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, एक पॉइंट लेस जो स्क्रोलिंग है उससे बेहतर है कि हम क्यों ना ये सीखें कि हम अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो कुछ थोड़ी सी बातें हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, मोनेटाइज योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई ना कोई आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी ऑलरेडी कोई ना कोई एक डिफाइंड ऑडियंस है और वो आपका कॉन्टेंट देख रही है, लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, और हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम फेक फॉलोअर्स की तरफ, फेक हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हज़ारों लाखों जो हैं वो फॉलोअर्स हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, टू सम एक्सटेंट क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी बेस्ड नेटवर्क मैटर करता है, उस पर मैं आगे जाके बात करूँगी. लेकिन आई प्रेफर क्वालिटी बेस्ड नेटवर्किंग. आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर. अब एक मुझे बंदा कह रहा था मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं, आपके 10,000 भी हों, अगर आपके साथ उनकी अलाइनमेंट नहीं है, अगर ऑडियंस की इंगेजमेंट आपकी प्रोफाइल पर, आपके पेज पर, आपके पोस्ट के ऊपर नहीं है, तो उस इंगेजमेंट का, उस ऑडियंस का, उस पोस्ट का सॉरी, कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो आप अपनी जो पहली बात है एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उससे एक्सप्लोर करें, उसके साथ अलाइनमेंट करें, और कस्टमर या कंज्यूमर के साथ आप एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट करें. CRM एक चीज़ होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस, वो आप बनाएं. फिर इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑडियंस आपकी किसी पोस्ट पर रिएक्ट कर रही है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई आपकी सर्विस है, कोई आपकी ट्रेनिंग है, कोई आपकी एजुकेशनल सर्विस है, तो आप देखेंगे इस पोस्ट के ऊपर ऑडियंस ने कमेंट्स किए हैं, तो आप उसी पोस्ट को दोबारा से रीडिज़ाइन करके, रीराइट करके आप एक सुपर अपीलिंग कॉन्टेंट बनाएँ, ताकि दोबारा से वो ऑडियंस जो है वो आए और आपकी ऑडियंस कन्वर्जन की तरफ जाए. क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस यही है कि हमारी ऑडियंस कन्वर्जन की तरफ जाए और हम मोनेटाइजेशन की तरफ जाएं. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनेटाइज योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस. सेकंड पॉइंट, मार्केट योर बेस्ट स्किल्स. देखिए, अपने आप को पहचानना, सुकरात का नाम हमने सुना है, सुकरात ने कहा था थाई योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो.
अब जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी देर से काफ़ी दूर से आए हैं, सो मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अपनी स्किल्स को, और हम सब लोग जहाँ जो मौजूद हैं, अपनी स्किल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है कि जिससे आप मार्केट में ला सकते हैं, और क्या आपकी स्किल के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप उसे मार्केट कर सकें और आप अर्न कर सकें। ये भी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं इस लाइन में आई हूँ, और क्योंकि मैं प्लेसमेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं स्टूडेंट्स की और की जॉब्स और इंटर्नशिप्स करवाती हूँ, इंडस्ट्री एकेडमिया पर काम करती हूँ। तो मैंने अपने मैंने ये देखा कि इरम, मैंने 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ये जॉब्स का ही सारा, सो मैंने देखा कि इरम मैं इसी चीज़ को मार्केट करूँ। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग मैंने खुद की कि मुझे करना क्या है। फिर उस टाइम मैंने जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज एक वर्कशॉप लॉन्च की। फिर मैंने देखा कि इसकी तो ट्रेडिशनल वर्कशॉप है, सीवी राइटिंग इंटरव्यू टेक्निक्स पर हर बंदा बात करता है, जिसको नहीं भी आती वो भी कर रहा है। तो इस पर मैंने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, लाइक हिडन जॉब मार्केट क्या होती है, ट्रबल शूट जॉब सर्च क्या है, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के जरिए हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, नेटवर्किंग के चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हमें कॉल जो है वो नहीं आती, जॉब टाइटल क्या होता है। जैसे मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स जो हैं अभी डिग्री लेके निकलते हैं, या बिजनेस के, कंप्यूटर साइंस के, उनको ये समझ नहीं आती है कि हमारे जो डिग्री है इसका जॉब टाइटल क्या है, हमने जाना किस इंडस्ट्री में है, हमने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा रिज्यूमे कैसे शॉर्ट लिस्ट होगा। तो मैंने कॉन्टेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी की, और ये मेरी फिर सर्विस जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये मेरी सक्सेसफुल हुई और मैं फिर इस लाइन की तरफ आई। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दी है क्योंकि मेरा ये पॉइंट है, मार्केट योर बेस्ट स्किल्स, आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लोर करें। मैं लिखता अच्छा हूँ, मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरे मतलब क्या टैलेंट है, डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, क्या आता है मुझे, नहीं आता तो सीखें, इन्वेस्टमेंट करें। हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट का एक मतलब समझा जाता है कि जी इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छा मेकअप, कपड़े, ड्रेसेस, खाना पीना, ये घर, ये कंफर्ट, हम बॉडीली कंफर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। जितना हम अपनी बॉडी को कंफर्ट दे रहे होते हैं, हम कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर करनी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ नहीं करना चाहते, 500 रुपए की कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करता, लेकिन 1000 रुपए का बर्गर हमने ज़रूर खाना है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ हम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल अर्न कर रहे हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर होता क्या है, देखिए अगर आप बात करते हैं, एक बंदा आगाही देता है, आप बात करते हैं, आपको बात करनी आती है, लोग आपसे सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, इट मींस यू आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप ऐसा कंटेंट डालते हैं, ऐसी वीडियो डालते हैं, ऐसी अपनी वर्कशॉप स्किल्स, प्रोडक्ट सर्विस डालते हैं कि लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इट मींस कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वही बात मेरी पिछली बात से कनेक्ट हो गई कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर सेल्फ करेंगे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे ना। तो इसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, लाइक जैसे मैक्रो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, माइक्रो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नैनो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ब्रांड्स जो है वो देखते हैं कि हम सेलिब्रिटी के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑडियंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्यों ना हम मैक्रो, माइक्रो और नैनो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैक्रो में 1 लाख से 10 लाख वाली कैटेगरी आ जाती है, और जो मैक्रो है इसमें 10,000 से 1 लाख और नैनो में 1,000 से 10,000 वाले आ जाते हैं। और ये बात भी मेरी पिछली वाली बात से कनेक्ट हो गई है कि जो मैंने आपसे कहा था कि एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो अगर आपकी डिफाइंड है उससे एक्सप्लोर करें। लेकिन ज़रूरी नहीं आपके हज़ारों फॉलोवर्स हों, 500 फॉलोवर्स भी हों, 200 भी हों, तो आपकी एक डिफाइंड ऑडियंस है, वो आपको देख रही है, आपके आपके पेज पर, आपकी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट है, तो आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को आप रिव्यू दे सकते हैं, आप किसी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, मिनिमम ये मैं आपको बताऊं कि एक पोस्ट लगाने का, एक पोस्ट भी 8 to 10,000 दे आर अर्निंग।
अगर अगर आप मेरा गूगल पर सर्च करें आपको टाइम मिले इरम सबा आप लिंक्डइन लिखिएगा गूगल के ऊपर. मैंने गूगल के लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है और उस पर मेरे काफ़ी ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स वहाँ से मिलते हैं, मुझे क्लाइंट्स वहाँ से मिलते हैं, मेरा काम भी वहाँ से चलता है. अब चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ तो कोई एक बंदा कहता है कि अभी मैंने फाइनेंस की वर्कशॉप जो है वो अरेंज करवाई, उसने कहा कि अपनी लिंक्डइन के ऊपर मेरी फाइनेंस की जो वर्कशॉप है ये आपने लगा दो. अब उससे भी मैंने चार्ज किया और फिर जाहिर है जो जितने उसकी एनरोलमेंट्स हुई उसका भी कमीशन मिला. सो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना ये बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और इसको आप ज़रूर सर्च करें कि ये होता क्या है और आप किस तरीके से कर सकते हैं डिटेल से. फिर इसके बाद बिल्ड अ पेड मेम्बरशिप. ऑफकोर्स अगर आपका एक एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट होता है, एक तो आप ऐसे ही लगा रहे हैं उसकी एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसकी जो आपके फॉलोवर्स हैं जो आपकी ऑडियंस है वो एक पेड मेंबरशिप के जरिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए वो पे करते हैं और आपको जो है इस तरह से आप अर्न कर सकते हैं. सो इट वाज अबाउट बिल्ड अ पेड मेंबरशिप. फिर देखा जी प्रमोट ब्रांड विद अफिलिएट प्रोग्राम. ये आजकल बहुत ज़्यादा अब अफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है. देखिए आपकी ऑडियंस है, आपने किसी और का प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को रेफर करना. सो दिस इज कॉल्ड अफिलिएट प्रोग्राम. आप अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करें. जैसे दराज का हम सबको पता है अब अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम है. बहुत से ब्लॉगर्स जो हैं दे आर अर्निंग थ्रू अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम कि आपके जो ब्लॉग के ऊपर आपने जो लिखा है कोई आपने लिंक डाला है लोगों ने इस पर क्लिक किया है और वो अमेजोन के ऊपर जाकर वो प्रोडक्ट बाय करते हैं. तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं. फेसबुक के ऊपर आप अपनी पोस्ट के अंदर अमेजोन का लिंक डालते हैं, लोग जाते हैं और बाय करते हैं. इस तरह से आप अर्न कर सकते हैं. तो अफिलिएट प्रोग्राम को आप सर्च करें है ना, उसको आप ज्वाइन करें. अब ज्वाइन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अच्छा एक तो मैंने अभी बात की थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने खुद बनना है, बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. एक है आप ज्वाइन करते हो, एक है कि आप ज्वाइन करते हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. अगर किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आप उसका पेज लाइक करते हो, सॉरी उससे आप उसका पेज लाइक करके उसकी पोस्ट को लाइक करके कमेंट करके आप उनके साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं. एक बंदा है उसके हज़ार उसके लाख फॉलोवर्स हैं, 10,000 से ज़्यादा हैं. आप कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट मेरी सर्विस अपनी पेज के ऊपर आप लगा दें. तो इस तरीके से भी आप अर्न कर सकते हैं. किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे. टाइम जो है शॉर्ट है और ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है तो इसको मैं जल्दी से वाइंड अप की तरफ जाती हूँ. ब्रांड कोलैबोरेशन है जैसे मैं बात कर रही थी कि आपके अगर डिफाइंड ऑडियंस है तो ब्रांड आपको खुद तलाश करते हैं, आप ब्रांड्स को सर्च करते हो. एक कोलैबोरेशन के जरिए आप ब्रांड का रिव्यू अपनी पोस्ट के ऊपर अपने पेज के ऊपर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देते हैं. तो इसे आप कर सकते हैं. आप अपनी एजुकेशनल सर्विस एजुकेशनल प्रोडक्ट को जैसे मैंने बताया कि जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज इसको मैंने लॉन्च किया सेल किया, इस तरीके से आप कर सकते हैं. अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जो है वो आप बना सकते हैं. जैसे सहाफत वाले बच्चे हैं मैथ्स फॉर्म के ई न्यूज़ का जो वेबसाइट है वो आप बनाकर उसे अर्न कर सकते हैं गूगल एडसेंस के जरिए अफिलिएट प्रोग्राम के जरिए जिसमें मैं बात कर चुकी हूँ. इसके अलावा थोड़ी सी बस ये फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, अगर आप इसको सर्च करें इन्वेस्टमेंट करें सीखें तो उससे आप अर्न कर सकते हैं. मैं सिर्फ उसके नाम ले रही हूँ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिकल राइटिंग, पोस्ट राइटिंग, ई बुक राइटिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अकाउंटिंग, चैट सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, विजुअल असिस्टेंट, वेब डिजाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग, वर्डप्रेस, ऐप डेवलपमेंट, 3D एनिमेटर, ऑटोकैड डाटा एंट्री. मैं अपने जो जैसे अभी यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी आए हैं उनको मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को वो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के थे उनको मैंने ऐप रिव्यू के वर्क की तरफ लगाया. तो मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएँ ताकि आप आखिरी दो सेमेस्टर्स की जो फीसिस हैं वो आप खुद पे करें. और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो मैंने स्टार्ट किया था क्रिटिकल थिंकिंग से कि अपने आप को पहचाने खुद शनासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब खुद शनासी होगी तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकेंगे. वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद शनासी के बारे में कहा कि जो आपका अंदर का जो इंसान होता है, जो हमारे अंदर का इंसान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा तशख्स है, वही हमारा दोस्त होता है और वही हमारा बदतरीन दुश्मन भी होता है. उसी ने हमें कामयाब भी बनाना होता है, उसी ने हमें नाकाम भी बनाना होता है, उसी ने हमें जजा भी दिलवानी होती है, उसी ने हमें सजा भी दिलवानी होती है. वो दुनिया वाला भी बनाता है, वो आखरत वाला भी बनाता है.
तो अगर आपका बातिन महफूज हो गया तो आपका जाहिर भी महफूज हो गया। अपने आप को पहचाने, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, अपने टैलेंट को फिर मार्केट करें, सो इंशाल्लाह ताला आप अर्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बीएफयूसी ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द डिग्निटरीज ऑफ बीएफयूसी एंड द काउंसिलेज ऑफ लाहौर ऑफ सॉरी जबल एंड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। थैंक यू।